हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट एफसी के न्यू फॉरेनर प्लेयर के बारे में। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट एफसी ने जो है गाइस एक फॉरेनर प्लेयर का अनाउंसमेंट किया है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ भाई इप्सन मेलो के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल गाइस। हमारे चैनल पर आपको नॉर्थ ईस्ट एफसी से रिलेटेड अपडेट वगैरह मिलते रहता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट एफसी ने जो है चार फॉरेनर प्लेयर्स का साइनिंग कंप्लीट कर लिया था। रोमेन फेलबोडुक्स, माइकल जबा को, इप्सन मेलो और नेस्टर एल्वियास को जो है नॉर्थ ईस्ट एफसी ने साइन कर लिया है। तो टोटल 6 फॉरेनर प्लेयर को साइन कर सकता है, उसमें से 4 फॉरेनर प्लेयर को साइन कर लिया है। अभी भी 2 फॉरेनर प्लेयर बाकी थे, उसमें से गाइस एक फॉरेनर प्लेयर को नॉर्थ ईस्ट एफसी ने जो है गाइस कल ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है, बिना किसी ट्रांसफर अपडेट, बिना किसी रूमर के। तो इसी के बारे में जो है हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इस खिलाड़ी की प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, इसके करियर के बारे में बात करेंगे। तो इस खिलाड़ी का नाम है गाइस मोहम्मद अली बीमामेर। ये जो है गाइस एक फॉरेनर प्लेयर है, इसको नॉर्थ ईस्ट एफसी ने जो है गाइस बिना किसी ट्रांसफर अपडेट, बिना किसी रूमर से अनाउंसमेंट कर दिया है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो गाइस ये खिलाड़ी जो है ना गाइस बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है यार, बहुत ही एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी है। और गाइस इनको जोआन पेड्रो बेनेली ने साइन किया है, मतलब जोआन पेड्रो बेनेली का फेवरेट टीम है ये जो है, जोआन पेड्रो बेनेली के अंडर में भी खेल चुका है। तो जोआन पेड्रो बेनेली को जो है गाइस मोहम्मद अली के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि गाइस मोहम्मद अली जो है जोआन पेड्रो बेनेली के अंडर में भी खेल चुका है। इसलिए गाइस मोहम्मद अली जो है जोआन पेड्रो बेनेली का एक फेवरेट प्लेयर है। इसलिए जो है जोआन पेड्रो बेनेली ने नॉर्थ ईस्ट एफसी के लिए जो है मोहम्मद अली को साइनिंग किया है। मतलब जोआन पेड्रो बेनेली को पता है कि मोहम्मद अली जो है बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा सेंटर बैक है। तो इनका मेन पोजीशन जो है डिफेंस एट मिडफील्डर है। जोआन पेड्रो बेनेली ने जो है इनको साइनिंग कर लिया है, जोआन पेड्रो बेनेली का फेवरेट टीम है। तो भाई जोआन पेड्रो बेनेली ने इनको साइन किया होगा तो भाई अच्छा ही प्लेयर होंगे, क्योंकि भाई जोआन पेड्रो बेनेली के अंडर में खेल चुका है। तो जोआन पेड्रो बेनेली को पता है कि भाई ये कैसा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर ही होगा, तो अच्छा प्लेयर ही होगा। इसलिए जोआन पेड्रो बेनेली ने नॉर्थ ईस्ट एफसी के लिए इनको साइनिंग किया है। अगर बुरा प्लेयर होता तो भाई साइनिंग नहीं करता पहले ही, मतलब जोआन पेड्रो बेनेली को पता चल जाता कि भाई ये तो अच्छा प्लेयर नहीं है। तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, इसलिए जोआन पेड्रो बेनेली ने इनको साइन किया है। तो नॉर्थ ईस्ट एफसी के फैन जो है गाइस नॉर्थ ईस्ट एफसी के पोस्ट और रील वगैरह में कमेंट कर रहे थे कि भाई नॉर्थ ईस्ट एफसी कब साइनिंग करेगा, अभी भी 2 फॉरेनर बाकी है तो उनको नॉर्थ ईस्ट एफसी कब साइनिंग करेगा। इसलिए जो है गाइस नॉर्थ ईस्ट एफसी के मैनेजमेंट ने एकदम सरप्राइज अनाउंसमेंट कर दिया है। इसका कोई रूमर वगैरह नहीं आ रहा था, नॉर्थ ईस्ट एफसी के मैनेजमेंट ने एकदम सरप्राइज अनाउंसमेंट कर दिया है इस प्लेयर का। तो इनको जो है नॉर्थ ईस्ट एफसी ने मस्पेस नाम का एक क्लब से साइनिंग किया है, जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। मोरक्को का ही एक फुटबॉल क्लब है जिसे नॉर्थ ईस्ट एफसी ने इनको जो है साइनिंग किया है। तो अभी जो ये नॉर्थ ईस्ट एफसी की तरफ से खेलेंगे और डूरन कप शायद से मतलब नहीं खेलेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट एफसी प्ले ऑफ या फिर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो फिर शायद खेल सकता है, क्योंकि भाई इनका अभी अनाउंसमेंट हो गया है तो आने में भाई 4-5 दिन लग जाएंगे, उसके बाद फिर ट्रेनिंग भी करना होगा। तो शायद से डूरन कप नहीं खेलेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट एफसी फाइनल या फिर प्ले ऑफ वगैरह में पहुँच गए तो शायद 1-2 मैच खेल सकता है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका एज कितना है, इनका मेन पोजीशन क्या है, मतलब इनके प्रोफाइल के बारे में जो है डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो मोहम्मद अली जो है गाइस मोरक्को से बिलोंग करता है, 33 इनका एज है, मेन पोजीशन डिफेंस साइड मिडफील्डर है, मार्केट वैल्यू जो है गाइस 3.2 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्थ ईस्ट एफसी ने अभी तक जितने भी साइनिंग किया है उसमें से सबसे ज़्यादा है, मतलब मोस्ट बॉलीवुड प्लेयर कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट एफसी का। तो ये नॉर्थ ईस्ट एफसी का मोस्ट बॉलीवुड प्लेयर है। तो अभी देखते हैं नॉर्थ ईस्ट एफसी में कैसा परफॉर्मेंस करता है। और भाई मोरक्को के प्लेयर है तो आई होप कि भाई अच्छा ही परफॉर्मेंस करे, क्योंकि भाई आई लीग में तो भाई मोरक्को के प्लेयर का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा, जैसे मतलब अहमद जग हो गया, हुगो बोमो हो गया, ये सब मतलब मोरक्को से बिलोंग करता है। एमएच जाओ भी और हुगो बोमो भी मतलब मोरक्को से बिलोंग करता है, तो इनका परफॉर्मेंस तो भाई लाजवाब रहा। तो अभी देखते हैं मोरक्को के प्लेयर मोहम्मद अली जो है कैसा परफॉर्मेंस करता है, आई होप कि भाई अच्छा ही परफॉर्मेंस करे। और भाई अच्छा ही परफॉर्मेंस करेंगे यार, मतलब जोआन पेड्रो बेनेली इनको जानते हैं ना, पहले भी ये मतलब जोआन पेड्रो बेनेली के अंडर में खेल चुके हैं, तो जोआन पेड्रो बेनेली जो है इनका टैलेंट जो है अच्छे से जानता है, इसलिए साइन किया होगा ना। अगर भाई बेकार मतलब बुरा प्लेयर होता तो साइनिंग थोड़ी ना करता। तो अभी देखते हैं भाई नॉर्थ ईस्ट एफसी में कैसा परफॉर्मेंस कर दे भाई। तो मोहम्मद अली का जो मेन पोजीशन है वो तो भाई डिफेंस एंड मिडफील्डर है, लेकिन ये सेंटर मिडफील्डर और राइट मिडफील्डर के पोजीशन में भी बहुत अच्छे से खेल सकता है। तो अभी जो है नॉर्थ ईस्ट एफसी का 5 फॉरनर प्लेयर कंप्लीट हो चुका है, अभी बस एक ही फॉरनर बाकी है, वो मतलब अटैकिंग मिडफील्डर होगा और वो एशियन प्लेयर होगा, क्योंकि मतलब भाई आईएसएल के सभी टीमों में मतलब एक एशियन प्लेयर होना चाहिए ना भाई। तो अभी जो नेक्स्ट प्लेयर को नॉर्थ ईस्ट एफसी साइन करेंगे वो जो है एशिया। मोहम्मद अली के बारे में मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखा, लेकिन भाई मुझे उतना खास लगा नहीं, मुझे पर्सनली जो है गाइस मोहम्मद अली जो है उतना खास लगा नहीं, लेकिन भाई जोआन पेड्रो बेनेली ने साइन किया, भाई जोआन पेड्रो बेनेली इनको जानते हैं तो भाई अच्छा प्लेयर ही होगा भाई।
आई होप कि भाई मैं गलत साबित हूँ और जो मोहम्मद अली है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, बहुत मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे। माइकल जवा को तो भाई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, वैसे ही मतलब मोहम्मद अली भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो मोहम्मद अली के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो अभी भी एक फॉरनर साइनिंग बाकी है, उसका जब साइनिंग होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर चलते हैं, तो भाई नेक्स्ट है इप्सन मेलो। इप्सन मेलो के बारे में तो एक अपडेट है, उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने आपको पहले ही कन्फर्म अपडेट दे दिया था कि जो इप्सन मेलो है वो गुवाहाटी पहुँच चुका है, और उनका फोटो भी दिखा दिया था, नॉर्थ इन एप्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था फोटो। तो हमने आपको ये भी बता दिया था कि इप्सन मेलो जो एक दिन रेस्ट करके फिर ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर देंगे, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो इप्सन मेलो ने जो है ट्रेनिंग शुरू कर दिया है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। रोमेन फेलबर्टुक्स भी साथ में दिख रहा है, माइकल जवा को भी साथ में दिख रहा है, मतलब उनसे कुछ बातचीत कर रहा है। तो इप्सन मेलो जो है ट्रेनिंग शुरू कर दिया है, नॉर्थ ईस्ट एनएफसी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम में फोटोज वगैरह पोस्ट किया है, और भाई साथ ही साथ नेस्टर एलबीएस का भी फोटो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये नेस्टर एलबीएस शायद आया ही नहीं, भाई बहुत सारे लोग मतलब ट्विटर पर ट्वीट कर रहे थे, इसलिए भाई नॉर्थ ईस्ट एनएफसी ने जो है नेस्टर एलबीएस का भी फोटो पोस्ट कर दिया था। मतलब जब नेस्टर एलबीएस आए थे गुवाहाटी तब नॉर्थ इंडियन एफसी ने कोई फोटो वगैरह पोस्ट नहीं किया था। तो अभी नेस्टर एलबीएस का ट्रेनिंग फोटो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, तो नेस्टर एलबीएस, रोमेन फिलबर्टुक्स, इप्सन मेलो, माइकल जवा को सब मतलब ट्रेनिंग कर रहा है, और भाई जो मतलब हमारे न्यू साइनिंग किया है मोहम्मद अली, वो भी भाई आ जाएंगे 4-5 दिन के अंदर या फिर 2-3 दिन के अंदर, उसका भी अपडेट दे दूंगा जब मतलब मुझे पता चल जाएगा। तो वो भी बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, वो भी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो 12 तारीख का जो मैच है एफसी गोवा के साथ इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में, उसमें इप्सन मेलो और नेस्टर एलबीएस भाई जरूर खेलेंगे, क्योंकि भाई यही दो फॉरनर स्ट्राइकर है। बाकी अगर मनवीर सिंह को खिलाते हैं तो भाई पक्का हारेंगे, क्योंकि भाई ये नॉर्थ इंडियन एफसी का अच्छे स्ट्राइकर नहीं है, मतलब फॉरनर अच्छे स्ट्राइकर है लेकिन इंडियन अच्छे स्ट्राइकर नहीं है, इसलिए भाई इनमें से एक ना एक तो जरूर खेलेंगे भाई, एक नहीं मतलब दोनों को ही खिला सकते हैं। मतलब फर्स्ट में शायद इप्सन मेलो को रखेंगे, उसके बाद फिर हाफ टाइम के बाद सब्स्टिट्यूट करके नेस्टर एलबीएस को जो है खिलाएंगे। तो अभी एक फॉरेनर प्लेयर बाकी है अटैकिंग मिडफील्डर, तो उसके बारे में अगर कोई अपडेट वगैरह ट्रांसफर रूमर वगैरह आ गया तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। अगर कोई सरप्राइज अनाउंसमेंट वगैरह नॉर्थ इंडियन एफसी करता है तो उसका अपडेट दे दूंगा, अगर कोई भाई इंडियन प्लेयर को साइन करते हैं, मतलब सब अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहता है यार, इसलिए सब्सक्राइब कर लो यार। आप में से बहुत सारे बंदे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार, पता नहीं क्यों भाई, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ भाई, मैं डेली वीडियो डालता हूँ। अभी भाई यूट्यूब पर देखो कौन है भाई जो डेली वीडियो अपलोड करता है, मैं करता हूँ भाई, लेकिन फिर भी यार आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब तो मांगा है ना भाई, आपका किडनी तो नहीं मांगा, तो भाई प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको नॉर्थ ईस्ट नेम से रिलेटेड हर छोटे मोटे अपडेट मिलते रहता है, इसलिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस भाई आज के लिए बस इतना ही अपडेट था, कल भाई वीडियो आ रहा है हमारे चैनल पे, मतलब डेली वीडियो आता ही रहता है, तो कल भी वीडियो अपलोड होगा, तो अभी देखते हैं भाई कल के वीडियो को किस टॉपिक पे होता है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी मैं सोचता हूँ कि कल का वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊंगा, तो आज के बस इतना ही, आज का यही अपडेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए सबको अलविदा, जय हिंद, जय भारत।